अक्कल दाढ़ आने से प्रॉब्लम आती है, मुंह में छाला हो जाना, सूजन आना, चीक बाइट हो जाना। मैं अंशुमन शर्मा, हमारे साथ है दंत रोग विभाग के कनिष्ठ गुरु दंत रोग विशेषज्ञ। हम सर से जानेंगे दांतों के बारे में कि हम जानेंगे सर अक्कल दाढ़ के बारे में थोड़ा सा बताएं और ये किस उम्र में आती है। अक्कल दाढ़ बेसिकली स्टार्ट होता है 16 साल से 25 साल की उम्र में, इसका बनना और इसका अपने मुंह में बाहर आना। बट आजकल की ये समस्या हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्कल दाढ़ फंस जाती है, टेढ़ी आती है, तिरछी होती है, जिसको अपन एक्सरे द्वारा डायग्नोज करते हैं और उसको निकालना ही एक बेहतर ऑप्शन रहता है। क्या प्रॉब्लम आती है अक्कल दाढ़ आने से? अक्कल दाढ़ आने से प्रॉब्लम आती है मुंह में छाला हो जाना, सूजन आना, चीक बाइट हो जाना, छाले बने रहना मुंह में, इन्फेक्शन होना, ये सब समस्याएं होती हैं। ये बीमारी क्यों होती है सर अक्कल दाढ़ आने वाली? अक्कल दाढ़ नॉर्मल प्रोसेस है, अपने 32 दांत होते हैं। जो अक्कल दाढ़ है ये सब यूजुअली बोली जाता है कि 18 साल में अक्कल आ जाती है, तो ये 18 साल में ही ये दांत अपने मुंह में दिखाई देता है। उस समय पुरानी कहावतों के अनुसार इसको अक्कल दाढ़ इसलिए बोला जाता है कि 18 साल की उम्र में यह बाहर आती है। किसी कारणों वश की दांत तिरछा हो, उसका एंगुलेशन तिरछा हो, इस वजह से ये दांत हड्डी में फंस जाता है और इसको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, सबके लिए परेशानी वाली नहीं होती ये? सबके लिए परेशानी वाली नहीं होती। कई लोगों में ये चारों के चारों अक्कल दाढ़ आ जाते हैं, किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं भी होते, किसी में एक आता है, किसी में दो आते हैं। परेशानी कब बनती है सर ये? परेशानी बनती है जब ये दांत फंस जाता है। बताया पेन और इन्फेक्शन ही इसका पहला क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है। पेशेंट अपने पास बोलता है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है या खिंचावपन हो रहा है। घरेलू उपचार